हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बॉबिन मॉम। आदविक बोल रहा है हाय, और हम हो गए रेडी बाहर जाने के लिए। आज लगा था इवनिंग में बाजार मेला, सो हम वहाँ गए थे। ये डेकोरेशंस हो रखी थी, ये सिर्फ हमारे लिए था, आउटसाइडर्स नॉट अलाउड, सॉरी फॉर दैट, बट ये हमारे जहाँ हम रहते हैं उसके कैंट के अंदर। सो इतना सुंदर सा डेकोरेशन हो रखा था, यहाँ हैंडमेड सारे मिरर्स थे, ये डेकोरेशंस के आइटम ये सेल हो रहे थे, स्टॉल्स लगे हुए थे, मोस्टली यहाँ पे हैंडमेड थे और यहाँ के जो लोग हैं वही लोग बेच रहे थे। थोड़ी सी आउटसोर्सिंग भी हुई थी, बट बड़ा ही क्यूट क्यूट सा स्टॉल लगा था मेकअप के लिए, कपड़ों का। उसके बाद यहाँ पे देखो कितना सुंदर सी लाइटिंग हो रखी है, हम लोग सेल्फी पॉइंट पे सेल्फी क्लिक कराया। आदविक तो बेचारा डरा हुआ है इतने सारे लोगों को देख के, देन ही वॉज लाइक ओके। फिर उसके बाद हम निकल गए आगे, कैंडी कॉटन कैंडी थी, ट्रैम्पलिंग्स था, बच्चों के लिए फन जोन था, फिर हमने बहुत इंजॉय किया। फिर वहाँ पे गोलगप्पे थे तो आदमी को गोलगप्पे दिलाए, हमने गोलगप्पे भी खाए, डैडा को ये दिया मैंने गोलगप्पे खाने के लिए, वो तो गोलगप्पे के फ़ैन है। अच्छा वो पाव भाजी नहीं था यहाँ, एनीवेज फिर हम उसके बाद यहाँ पे हमने खाया वड़ा पाव जो मुंबई का है, डैडा को पसंद आया, मुझे भी अच्छा लगा, इट वॉज सो यम्मी, मुंबई की याद आ गई। और ये क्यूट सी बेबी भी आई थी, बहुत सारे बच्चे थे और आदमी यहाँ पे फन करते हुए। फिर उसको हमने दिलाया बलून, सो बलून के बाद ही वो सो हैप्पी, वो फन जोन में जाके उसको इतना मज़ा आ रहा था। फिर हमने कुछ गेम्स भी खेले, बड़ा ही मज़ा आया, कुछ जीते नहीं बट मज़ा बहुत आया। और ये बच्चों के लिए जो फन सेक्शन था ना बहुत ही बढ़िया था, आदमी को तो बहुत मज़ा आ रहा था बाकी बच्चों से लोगों से मिलके। उसके बाद आदमी भी बास्केट करने की कोशिश कर रहा था और वो दे नहीं रहा था। फिर हम गए डोसा कॉर्नर, वहाँ पर हमने खाया मसाला डोसा, आदमी को खिलाया, डैडा भी खाए, उसके बाद मैंने भी टेस्ट किया, इट वॉज सो यम। मतलब बाहर जाके मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि हम लोग बाहर का कुछ ट्राई करें जो हम रेगुलर बेसिस पर नहीं बनाते हैं, और डैडा को भी मसाला डोसा पसंद आया हो लकीली। और ये लाइटिंग कितनी अच्छी लग रही थी, फिर लास्ट में हुआ कि कुछ मीठा मुँह मीठा किया जाए, तो हमने खाया था पेस्ट्री। पेस्ट्री आदमी को खिलाने की कोशिश डैडा कर रहे थे बट नहीं खिला पाए, तो उन्होंने खुद ही टेस्ट कर लिया। फिर उसके बाद मैंने भी टेस्ट किया, इट वॉज सो यम। और फिर ऐसे ही आदमी को भी खिलाया, फिर हमने इंजॉय किया, फिर हुआ कि चलो थोड़ी बातचीत कर ली जाए। ये सब करते करते खाते खाते फिर हम निकल गए घर के लिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। ये देखो कितना क्यूटी पाई मेरा लग रहा है बच्चा, बलून लेके भाग रहा है, और इतनी सारी गाड़ियाँ पार्किंग में थी। अब हो गए हम घर जाने के लिए रेडी। सो अगर चैनल पर नए हो, पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना, हिट ऑन द बेल आइकन, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो। और हम घर के निकल, कितना क्यूट सा फाउंटेन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।